तो डिलाइट आईएएस के इस व्यापक मंच पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से बच्चों की तरफ से एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है और डिलाइट आईएएस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुविधा बनी हुई है बच्चों में कि क्या सरकार कुछ इस तरह का प्लान कर रही है कि अग्निपथ जो योजना भारतीय सेना में लाई गई है तीनों स्तर पर, है ना, चाहे नौसेना की में भर्ती की बात हो, आर्मी में भर्ती की बात हो, या आपको पता है वायुसेना की भर्ती की बात हो, तो उसको लेकर सरकार एक योजना लेकर आई है अग्निपथ, उसको लेकर भी हम थोड़ा समझ लेंगे। क्या उस तरह की योजना, क्या उस तरह का प्लान सरकार का भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को लेकर है क्या? और ये थोड़ी सी चिंता की बात स्टूडेंट में तो देखो हो ही जाती है कि हमारा सिलेक्शन कम होगा ज्यादा होगा, किस तरह की चीजें फ्यूचर में हो सकती हैं। हालांकि इस चीज को लेकर कोई औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, सरकार ने इस तरह पर कोई अभी किसी भी स्तर पर इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है कि सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में इस तरह की स्कीम ला रही है या नहीं। ये मुद्दा है क्या, ये चीज कहाँ से शुरू हुई, किसने इस चीज का विचार रखा, वो सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कंपैरिजन देख लेंगे अग्निपथ के साथ, जो नीतिपथ योजना है ना, इसका नाम दिया जा रहा है कि नीतिपथ योजना लाई जा रही है, नीति निर्माण के स्तर पर अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के स्तर पर सरकार इस तरह का कुछ प्लान कर रही है। अब देखिए, पहले सबसे पहले आप लोग अग्निपथ को समझ लीजिए, है ना। जब तक आप अग्निपथ नहीं समझेंगे तब तक आपको नीतिपथ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर फिर नीतिपथ को देख लेंगे, ठीक है। प्रशासन में तीनों स्तर पर, है ना, तीनों सेनाओं के स्तर पर इस चीज को लेकर एक बात की गई है, सरकार योजना लाई है कि देखिए, मान लीजिए जनरल जो युवाओं की भर्ती होती है सेना में, उसमें ये बोला गया कि लगभग 40 से 50 हजार की भर्ती हर साल की जाएगी, है ना, 40 से 50 हजार की भर्ती हर साल की जाएगी और ये सेना में काम करेंगे लगभग 4 साल तक। अब इस चीज को समझिए, ये परमानेंट भर्ती नहीं है, 4 साल तक आप काम करेंगे और फिर इसके अंदर लगभग 25% को रिटेन किया जाएगा 4 साल के बाद भी, है ना। जहां जहां पर जरूरत होगी उनमें से जिस तरह के पास जो क्षमताएं होंगी उसके आधार पर लगभग आप मान लीजिए 50 हजार को अगर आप एवरेज लेते हैं तो 12,500 को लेकर इनको तो रखा जाएगा, 25% को तो सेना में रखा जाएगा किसी ना किसी पद पर, लेकिन बाकियों को छोड़ दिया जाएगा, है ना। इस चीज को लेकर बहुत व्यापक पैमाने पर विरोध भी हुआ कि ये किस तरह का, हम काफी काफी साल से इतने साल मेहनत कर कर सेलेक्ट हो रहे हैं उसके बाद भी हमें सिक्योरिटी नहीं है, उसके बाद भी हमें किस तरह का एक कहीं ना कहीं पर सुरक्षा कवच नहीं प्रदान किया जा रहा सरकार की तरफ से कि आप सेना में हैं तो आप परमानेंट हैं, आप रिटायर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने सीधा बोला है कि 4 साल आप सेना में रहेंगे, ये लगभग अस्थायी एक भर्ती है जिसको आपको किया जाएगा, उसमें से 25% जो लोग काबिल जिनको सरकार समझेगी उनको रखेगी। ये चिंता की बात तो देखो है, क्यों, क्योंकि आप जनरली सोचिए ना कि सेना जो है भारत के जवानों के लिए या भारत के नागरिकों के लिए कई बार एक पहली पसंद के रूप में भी निकल कर सामने आता है और व्यापक पैमाने पर रोजगार भी मिलता है, बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं सेना में। बट जनरली बोला ये जाता है कि अगर आप सेना में सेवा करना चाहते हैं तो चाहे 1 साल करें, 2 साल करें, 3-4 साल करें, तो फिर आपको इतना लगाव या इतना सुरक्षा कवच क्यों चाहिए। आप सोचिए कि जॉब सुरक्षा किसको नहीं चाहिए होगी, है ना। आपको प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, लोगों को जो लोग आलोचना करते हैं इस चीज की उनको ये सोचना चाहिए कि इतनी मुश्किल से भर्ती हो रही है, फिजिकल एग्जाम टच करके क्लियर करके आपको कहीं ना कहीं पर निकलना होता है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी ना मिले तो देखो चिंता तो होती है। अब इस तरह की चीज है, अब आप यहाँ पर सोचिए, प्रकाश सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, नहीं भी जानते मैं बता देता हूँ आप लोगों को, भारत के एक बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित पुलिस सेवा अधिकारी रहे हैं, है ना। आप लोगों ने प्रकाश सिंह वाद सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में चलता है ना, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, है ना, वो केस इन्हीं के नाम पर था और कहीं ना कहीं पर बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ये रहे हैं। इन्होंने एक सुझाव ये दिया कि भारतीय इंडियन जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है ना, आप सोचिए भारतीय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज है, आईएएस वगैरह जो सेवाएं हैं, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर जो सेवाएं होती हैं, इसमें नीतिपथ योजना आनी चाहिए। बोला क्या है उन्होंने, ये ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट यही है बट किस तरह से सरकार को बोला गया है वो देखिए। उन्होंने सुझाव ये दिया है कि आप जिस तरह से अभी 1,000 लगभग आप सोचिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में या आप ऑल इंडिया सर्विसेज पर एग्जाम कंडक्ट करते हैं यूपीएससी का, है ना, आईएएस को लेकर, आप उसमें से कई बार 1,000 के आसपास लोगों का वो निकालते हैं नोटिफिकेशन कि इतनी भर्तियां होंगी, आप इसको इंक्रीज करें, आप इसको इंक्रीज करके ले जाएं लगभग 4,000, ठीक है, 4,000 युवाओं को आप भर्ती करें, ठीक है ना, वैकेंसीज निकालिए 4,000 के लिए कि इतने लोग पोजीशन के लिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। अब इसमें से लगभग वही 4 साल का गैप है, इसमें से 25% को रख लीजिए आप, ठीक है, और बाकियों को आप
कहीं ना कहीं पर आप चाहें तो आपका सजेशन तो उन्होंने ये किया है, दिया है कि आप उनको स्टेट सर्विसेज में कहीं ना कहीं पर भारतीय राज्य सेवाएं जो है प्रशासनिक सेवाएं उसमें काफी रिक्तियां रहती हैं, तो आप उनको वहां पर भेज सकते हैं, कहीं ना कहीं पर वहां पर वर्क करेंगे। इनमें से जो बेस्ट 25% होगा उसको रख लीजिए आप, उसको आगे सर्विस करते रहने दीजिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि एक तो 10 साल, फिर 25 साल और 30 साल की अवधि के बाद उनकी फिर से समीक्षा हो, ठीक है। आप देखो उनका परफॉर्मेंस चेक करो कि किस तरह का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, उसके आधार पर उनको रिटेन करो, अदरवाइज उनको आप छोड़ सकते हो या आप हटा सकते हो उनको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें और इसमें डिफरेंस फिर से वही आ गया ना, सबसे बड़ी चीज वही हो गई, जॉब और सुरक्षा को लेकर फिर से डर पैदा हो गया। एक चीज खुशी के लिए ये हो सकती है बच्चों के लिए कि भाई 4,000 भर्तियां होंगी तो हमें भी मौका मिल जाएगा, आप 4,000 वैकेंसीज होगी तो आप सोचिए उसका 3 गुना लगभग आप मान के चलिए कि 12,000 के आसपास लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि इंटरव्यू लिया जा रहा था कितना, लगभग 2,000 या 2,200 लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। अब वही कहीं ना कहीं पर मेंस में ज्यादा सेलेक्ट होंगे, मेंस का आप ये आगे तक लेके जाएंगे, है ना, 30,000 के आसपास लोग मेंस में सेलेक्ट होंगे जो अभी लगभग 12,000 के आसपास हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए वहां पर खुशी हो सकती है, प्री में लोग ज्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं ना, लेकिन आप जनरली चीज ये सोचिए कि आगे चल के तो अल्टीमेटली लॉस हो सकता है ना, आपको क्या पता उन 25% में आप शामिल होंगे या नहीं होंगे, उन 25% में आप आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, प्रकाश सिंह जी ने ये सुझाव क्यों दिया, क्यों वो चाहते हैं, देखिए इस चीज को समझिए आप कि सरकार ये चाहती है, सरकार को उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जो प्रशासनिक सेवाएं है ना उसमें जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हो आईएएस को, तो उसका आप सिलेक्शन करते हो किस आधार पर, आपने एक एग्जाम कंडक्ट किया, इंटरव्यू किया, उसके बाद आप उनको भूल गए, लाइफ टाइम के लिए आप लोगों ने उनको जॉब सिक्योरिटी दे दिए, उनको संविधान में आपको पता है ना 6311 में किस तरह से सुरक्षा दी गई है उनको, है ना, हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही कोशिश कर सकती है, बाकी कुछ नहीं किया, राज्य सरकार सिर्फ निलंबित कर सकती है, राज्य सरकार सिर्फ स्थानांतरण कर सकती है, तो कहीं ना कहीं पर उनको हटा नहीं सकती है ना, तो ये बड़ी सुरक्षा है, जॉब सुरक्षा है आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों को। अब देखिए जब इस तरह की चीजें वहां पर है तो उन्होंने बोला कि जब आप 4 साल में समीक्षा करेंगे ना 4 साल बाद, तो आप सिर्फ इस आधार पर नहीं कि आपने पेपर लिया, आपने इंटरव्यू लिया, उसके बेस पर आपके पास एक मौका ये भी होगा कि उन चार साल में उन्होंने किस तरह का वर्क किया है, ठीक है, उनका प्रदर्शन क्या है, उस प्रदर्शन की आप समीक्षा जब करेंगे उसके आधार पर आप रिटेन कर सकते हैं। अब एक जनरल चीज सोचिए, एक जनरल चीज प्रैक्टिकल चीज सोच के बताइए, अच्छी चीज है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत अच्छा सुझाव भी है, बट इसका दुरुपयोग भी तो हो सकता है ना, दुरुपयोग कैसे हो सकता है आप समझिए। चलिए मान लीजिए सेना के स्तर पर हम लोग बात नहीं करते हैं भ्रष्टाचार है या नहीं, बट प्रशासनिक सेवाओं के स्तर पर कोई भी एक सरकार जो सत्ता में होगी या पार्टी सत्ता में होगी, वो हो सकता है अपने मन पसंदे या अपनी विचारधारा को रखने वाले अधिकारियों को ही रखे, अपने विचारधारा को प्रमोट करने वाले अधिकारियों को रखे, बाकियों को हटा दे, तो ये इसका दुरुपयोग तो यहाँ पर हो सकता है ना हालांकि, लेकिन जनरल चीज ये है जो उन्होंने बताया, मैं आप लोगों के तक बता रहा हूँ कि ये चीज उन्होंने बोली है कि इंटरव्यू और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पर आप सेलेक्ट करते हैं ये कोई बहुत अच्छा माध्यम नहीं है, ये आप कर लीजिए, एक स्क्रीनिंग यहाँ पे करिए, उसके बाद 4 साल पर उनका प्रदर्शन इवेल्यूशन कीजिए, चेक करिए कि किस तरह का सर्विस वो कर रहे हैं, वो कैपेसिटी उनकी है या नहीं है, उनके अंदर वो क्षमताएं हैं कि नहीं है कि उनको जॉब सुरक्षा दी जाए, उसके आधार पर आप रखिए इसको, है ना। तो कहीं ना कहीं पर उन्होंने इस चीज को, अग्निपथ योजना को, नीतिपथ के नाम सर भारतीय जो प्रशासनिक सेवाएं उनके लिए प्रस्तावित किया है। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, यहां पर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को लेकर एक दो चीजें और हैं जिसको ध्यान से समझ लीजिए आप। लेटरल एंट्री है ना, इसको लेकर भी बच्चों में डाउट रहता है कि सर ये क्या सीन है, ये सरकार ने शुरू भी कर दिया इसको लेकर। लेटरल एंट्री ये होती है, आप देखिए कि जो निजी कंपनियों में वर्क कर रहे हैं ना, जो प्रोफेशनल स्तर पर, बहुत आपको पता है प्राइवेट और निजी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या माना जाता है, कि जो कुशलता है ना, स्किल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होते हैं ये बोला जाता है ना। एक चीज आप सोचिए कि एक चीज हम यहाँ पे और भी समझेंगे लेकिन उसको बाद में, पहले इसको देख लेते हैं, मिशन कर्मयोगी को भी देखेंगे हम, है ना, तो उससे आप दोनों चीजें समझ जाएंगे। क्षमताओं के लिए सरकार मिशन कर्मयोगी लेके आई है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनको थोड़ा, उनकी क्षमताओं को बिल्डिंग की जाए ना, उनको ट्रेंड किया जाए बहुत अच्छे स्तर पर, ताकि बहुत अच्छी तरह से सेवाओं को प्रदान कर सके। अब देखिए लेटरल एंट्री में इस चीज की कमी है, क्षमताएं नहीं है तभी तो सरकार मिशन कर्मयोगी ला रही है ना, कुशलता नहीं है, स्किल्स नहीं है तभी तो सरकार को किस तरफ देखना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करें, इन यूपीएससी इंटरव्यू करता है उनका, और उनको मिनिस्ट्री में स्तर पर जॉइंट डायरेक्टर या कहीं ना कहीं पर इसके स्तर पर उनको लेके आते हैं, है ना। अब आप एक मुझे चीज बताइए
कि अगर लेटरल एंट्री आती है जो भारत सरकार ने शुरू की है, उसका फायदा तो ये है कि भाई जो स्किल्स हैं, जो बहुत सारे कहीं ना कहीं पर कुशल योग जो हैं, अच्छे लोग हैं जो निजी क्षेत्र में काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, वहां से हम लेकर आएंगे उनको सरकारी क्षेत्र में, है ना। तो वो हो सकता है यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करे। बट एक चीज देखिए, जो नकारात्मक चीज निकल कर आई है ना लेटरल एंट्री में, बहुत सारे अधिकारियों ने छोड़ दिया, सेलेक्ट होने के बाद भी जो ब्यूरोक्रेट्स के रूप में सेलेक्ट हुए है ना, मिनिस्ट्रीज में बैठे, फिर बहुत सारे लोगों ने छोड़ा। पता है कारण क्या था? उनको ये लग रहा था, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। निजी क्षेत्र में होता क्या है ना, अटोनमी बहुत दी जाती है ना। निजी क्षेत्र में स्वायत्तता बहुत दी जाती है, आप काम करने के एक फ्री माइंड होके, आपको फ्री हैंड दिया जाता है कि आप काम करिए। क्या सरकार के स्तर पर वो हो सकता है? क्या सरकार में क्या होता है, हर स्तर पर पूछना होता है, हर तरह पे कहीं ना कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर स्तर पर परमिशन चाहिए होती है। ये चीज निजी क्षेत्र को पसंद नहीं आती, और इसीलिए बहुत सारे अधिकारियों ने लेटरल एंट्री होने के बाद भी, सरकार में बहुत अच्छे पद पर होने के बाद भी छोड़ दिया उस चीज को, है ना। ये चीज जो होती है लेटरल एंट्री होती है, ये उच्च प्रतिष्ठित मिनिस्ट्री में जो पद होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के, वहां पर मान लीजिए आप सीधा कि जितने मंत्री हैं उनके नीचे जो आईएएस अधिकारी बैठते हैं उनके पद पर कहीं ना कहीं पर इनको लिया जाता है। और ये जो है, जो नीतिपथ योजना है, ये शुरुआती स्तर पर हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें हम भर्ती के स्तर पर शुरू करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, वो बोलना चाह रहे हैं कि इससे बेहतर जो है सर्विसेज में, जो है प्रशासनिक सेवाओं में क्षमताएं इंक्रीज होंगी, स्किल्स जो है वो बहुत बेहतर तरीके से होंगी। और सबसे बड़ा जो इनको इशू है कि ये सुरक्षा जो इनको मिली हुई है ना आईएएस अधिकारियों को, इस सुरक्षा की वजह से वो लोग काम नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम सिक्योर हैं, हमें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ गिने चुने अधिकारी वर्क करते हैं और उसके बाकी जो है वो कहीं ना कहीं पर रिलैक्स महसूस करते हैं कि अब सिलेक्शन हो गया, हम करप्शन करें जो भी करें हमें कोई डर नहीं है, हमारा प्रदर्शन की कोई समीक्षा करने वाला नहीं है। ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत है प्रकाश सिंह जी को, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी देख लिया, ये यूपीएससी में सुधार जो सरकार लेके आई है इस चीज को लेकर, यूपीएससी के आप देखिए कि जो प्रशासनिक सेवाओं में जो अधिकारी है ना, प्रशासकों की क्षमता निर्माण का प्रोग्राम है ये, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी में आपको इस तरह से मेंस में लिखना होता है, ठीक है। एक ये कदम है, एक लेटरल एंट्री है, और कहीं ना कहीं पर सरकार अब चाह रही है कि नीतिपथ, सरकार नहीं चाह रही है, सरकार अभी प्लान कर रही है। हो सकता है अंदर काते कुछ ऐसी चीजें चल भी रही हो, आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। लेकिन प्रकाश सिंह जी ने इस तरह का सुझाव दिया और इसको लेकर बहुत व्यापक पैमाने पर एडिटोरियल छपे, बहुत बहस हुई। इसको मैं अभी तक इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा था क्योंकि औपचारिक इसका कोई ऐलान नहीं हुआ था ना। जब तक किसी चीज का औपचारिक ऐलान ना हो, जब तक वो आए ना, तब तक दुविधा रखना, उसको डाउट में उसको लेकर रहना कोई मतलब नहीं है। एक चीज मेरे को यहाँ पर और क्लियर करनी है आप लोगों से, समझिएगा। बहुत सारे बच्चे ना कुछ चीजों को लेकर डाउट्स में और इश्यूज में फंसे रहते हैं ना। देखिए अब मान लीजिए इसी चीज को, है ना, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर इसको क्लियर कर दीजिए, इसको क्लियर कर दीजिए। अच्छी बात है, मैंने वीडियो बना दी है, लेकिन एक चीज आप समझिए यहाँ पर कि नीतिपथ योजना, मान लो सरकार लाती है, आप एक चीज सोच के देखिए 1% कि सरकार मान लीजिए इसको लाती है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन करेंगे, लोगों ने किया भी तो सरकार ने बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पर चेंज नहीं किया, है ना। थोड़ा सा बोला गया कि जो अग्निपथ योजना जो है, इसमें जो लोग 4 साल बाद रिटायर होंगे या छोड़ेंगे हम उनको, उनको निजी क्षेत्र में हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं पर सिक्योर कर दें। ये एक इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लॉलीपॉप देने की कोशिश थी। अब आप यहां से देखिए कि इस तरह अगर सरकार इसमें भी लाती है तो हम व्यापक पैमाने पर कुछ नहीं कर सकते, है ना। जो होगा, जो प्रोसेस है, हमें उसी में से निकलना है। वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज ज्यादा है, हमें जो चल रहा है वो सभी के साथ है, हमारे साथ नहीं है। तो हमें इन सब चीजों से, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो बाहरी चीजें हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा दूर रखना है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है। मैं जनरली ये चीज कह रहा हूँ, मान लीजिए सरकार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार सिविल सेवाओं को खत्म करने जा रही है, आने वाले 10 साल में 20 साल में खत्म हो जाएगा। बट आप एक चीज सोचिए, पहली चीज तो ये है कि प्रशासनिक सेवाएं पूरी तरह से खत्म हो, ये पॉसिबल नहीं है। भारत में कहीं ना कहीं पर इनका बहुत मजबूत एक, आप सोचिए, एक एक लॉबी है ना, उनको खत्म करना उतना आसान नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए कि मंत्री स्तर से नीचे जो मेन वर्क होता है ना, नीति क्रियान्वयन को जो कार्य होता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का जो वर्क होता है, वो यही लोग करते हैं। तो अगर मान लीजिए, जनरली मैं कहता हूँ, वर्स्ट कंडीशन भी आ गई, 100 वैकेंसी जी बची, तो क्या आप तैयारी नहीं करेंगे? एक समय था जब लगभग 200 से 250 वैकेंसीज आती थी, तब भी लोग सेलेक्ट होते थे ना, तब भी लोग क्वालिफाई किए हैं, है ना। एक मेरे मेंटोर है, उस टाइम पे सिलेक्ट हुए, तो मुझे उनका ही एग्जाम्पल देते हैं कि इस 100 में, ये जो 100 है, इसके अंदर एक सीट आपको चाहिए, है ना। तो अगर सरकार कोई भी प्रोसेस लाती है, हमें पता है सरकार का, क्योंकि उनको चुना गया है कुछ नया करने के लिए, कुछ नए रिफॉर्म्स लाने के लिए, या उनको लगता है कि वर्तमान सिचुएशन ऐसी है कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए, तो सरकार करे, हमें कोई उससे इशू नहीं होना चाहिए। हमें बस ये देखना है
इस प्रोसेस को लेकर हमें अगर कोई नया प्रोसेस आता है, अगर ये चीज यहाँ पर इंक्रीज होती है, तो हमें दो चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो कि हम इस 4,000 में इन्वॉल्व हो जाएं, है ना, हम इस 4,000 में शामिल हो जाएं। दूसरी चीज हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपने अंदर शुरू से ही स्किल करें। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इस 4,000 से 25% में आना चाहते हैं, तो आपको तो काम ही तो अच्छा करना है ना, और क्या उनसी रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत अच्छा वर्क करेंगे, अगर आपको अपनी स्किल्स को बिल्ड करने का काम करेंगे, इनएक्टिव नहीं रहेंगे, असक्रिय नहीं रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और जब सरकार आपका प्रदर्शन इवेल्यूएशन करेगी, प्रदर्शन की समीक्षा करेगी, परफॉर्मेंस देखेगी, तो क्यों ना आपको इसमें रखे। हो सकता है, और जरूरी नहीं है ना कि ये 25% का 30% भी तो रख सकती है, सरकार पर है ना ये, तो कोई ऐसा कानून थोड़ी अभी इस चीज को लेकर बना है। अभी तो ये इवन औपचारिक स्तर पर इसका ऐलान भी नहीं हुआ है, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा दुविधा में नहीं रहना है। अगर ऐसी चीज आ भी जाती है, तो अपने माइंड को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखना है कि हम उस 4,000 में शामिल हो जाएं, और उसके बाद हम लगातार इतने बेहतर परफॉर्म करें कि सरकार की मजबूरी बन जाए कि 25% से 50% लोग जो हैं वो बहुत बेहतर करें। हो सकता है सरकार का ये प्लान हो कि ये जो 4,000 सेलेक्ट किए हैं, ये 100 के 100% बहुत बेहतर वर्क करने लगे। एक डर रहेगा ना मन में कि हाँ, हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, सरकार हम पे निगरानी रखेगी, सरकार परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन करेगी, तो उसके आधार पर हम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। इससे हो सकता है जो ब्यूरोक्रेसी है भारत की, भारत की नौकरशाही है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे। ये जो लाल फीताशाही से हमेशा हम पर आरोप लगते रहते हैं कि हम उसमें झगड़े हुए हैं, उसका आरोप हमसे हट जाए, हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पर चीजें सेलेक्ट होने लगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे तो चीजें आपको लगेंगी, अगर हर चीज में आपको नेगेटिव एस्पेक्ट देखना है तो नेगेटिव एस्पेक्ट साथ देखो, सिविल सेवा में तो कोई इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट पेपर में भी लिखेंगे ना, आंसर में भी लिखेंगे, तब भी उसका आपको अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। थोड़ा बहुत आप अपना व्यू देख सकते हैं कि हाँ, अगर सरकार इस 25% में चाहे, अगर बहुत अच्छे अधिकारी हैं, तो उनको इंक्रीज कर सकता है, और जो लोग यहाँ से हटे, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको राज्य प्रशासनिक सेवाओं में भेज सकें, ताकि उनका जो टैलेंट है, यूपीएससी ने इतने बड़े एग्जाम्स के बाद वो लोग क्वालिफाई किए हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा स्किल्स तो हैं, कुछ ना कुछ तो टैलेंट है, तभी वो लोग सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी के एग्जाम में, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं पर सरकार को रिक्रूट करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है अग्निपथ और नीतिपथ दोनों चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी चीज को लेकर डाउट हो, है ना, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो हर टॉपिक पर बनेगा, जिस टॉपिक को लेकर आपको इश्यू होगा उसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, बट टॉपिक की रेलिवेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। पहले ही दिन से मेरा प्रयास ये रहा है, जैसे हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा, मैंने एक एक करके लगभग द्विपक्षीय स्तर पर काफी सारे देश हम लोगों ने खत्म कर लिया है ना, भारत अमेरिका पढ़ लिया, भारत ईरान पढ़ लिया, भारत चीन पढ़ लिया, भारत पाकिस्तान पढ़ लिया, नेपाल भूटान, सारे देशों के साथ लगभग हम लोगों ने जो क्वेश्चन है वो देख लिए, संबंध देख लिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है, इकोनॉमी में जैसे हम लोगों ने कई आर्टिकल देखे हैं कि भारत की इकोनॉमी कैसे इंप्रूव कर रही है, मेरा मेरी कोशिश ये रहती है कि पेपर के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, उस पर हम लोग काम करें। ठीक है, तो वही टॉपिक मैं सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाता भी हूँ। फिर भी आप लोगों के सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। मुझे लगता है इस चीज को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।